पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम। विदेश की धरती पर हमारे राष्ट्रगान का गाया जाना हम सभी 139 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है। हम सभी देश के बेटे नीरज चोपड़ा की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। टोक्यो ओलंपिक में कंट्री को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज पर पूरे देश को नाज है। नीरज ने 87.58 जेवलिन थ्रो में इतिहास रचा है। इसके साथ ये हमें गोल्ड मेडल दिलाने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। वैसे तो देश में क्रिकेटर्स के अलावा अन्य खिलाड़ियों को उतनी पहचान नहीं मिलती, लेकिन मात्र 23 साल की उम्र में इतिहास रचकर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। बचपन में मोटापे का शिकार हुए अपनी माँ के कहने पर उन्होंने खेलकूद में भाग लेना शुरू किया और पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जाने लगे। एक आम भारतीय लड़के की तरह उनकी भी पसंद पहले क्रिकेट थी। जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करते कुछ खिलाड़ियों को देखकर उनके मन में भी इस खेल को लेकर काफी रुचि जागी। आज नीरज पर हर भारतीय को गर्व है। देखिए कैसे हुआ उनका स्वागत नीरज की घर वापसी पर। Best of luck to our Indian Olympic team for the Tokyo Olympics. Yes, my victory punch. सारी encouragement और दुआओं से हमारे खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। आज पूरा देश नीरज के इस कारनामे से गदगद है।